चलिए आप सबको बधाई देता हूँ कि पूरे देश में एक साथ ये कार्यक्रम हो रहा है और आप लोगों को बता रहे हैं कि आगामी 21 नवंबर को लखनऊ में अगर सरकारें हमारी बात नहीं सुनती प्रदर्शन करने का मकसद क्या है आपका? सिर्फ एक ही मकसद है टेवा का, पुरानी पेंशन की बहाली, क्योंकि 2005 के बाद पुरानी पेंशन चूंकि खत्म कर दी गई है, एक बाजारू व्यवस्था एनपीएस की घोषणा हुई है वो लागू कर दी गई है। हमारे सभी शिक्षक कर्मचारी हो चाहे राज्य कर्मचारी परिषद के हों चाहे चतुर्थ श्रेणी के हों चाहे हमारे आईएएस अधिकारी, सब लोग पेंशन से वंचित हैं। उसी की लड़ाई अटेवा मात्र एक मुद्दे की, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है। जैसे 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उस पे आप क्या इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे? नहीं, प्रदर्शन की हमारी कोई योजना नहीं है। हमारा जो भी रहता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, शांतिपूर्वक हम लोग शिक्षक हैं, शांतिपूर्वक हम अपनी मांग शासन प्रशासन। अगर मांगे आपकी जो मांग रहे हैं वो नहीं पूरी होती है उसके बाद आपके उसके बाद 21 नवम्बर को हमारा पेंशन संक्रांत रैली है लखनऊ में। अगर ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तो 21 नवम्बर को आगामी पेंशन संक्रांत रैली की जाएगी लखनऊ के अंदर। सेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश का खर्च 8,000, एकमात्र मुद्दा पुरानी पेंशन की बहाली। सामने आप आइए, क्योंकि आदमी